इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीजीपीएससी व्यापम का पाठ्यक्रम, उसका सिलेबस और इस चैनल पर किस क्रम में सीजीपीएससी व्यापम की पूरी पाठ्यक्रम की वीडियोस अपलोड की जाएंगी, जिससे आप बेहतर ढंग से एग्जाम की तैयारी कर सकें। हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक, आपका स्वागत है इस चैनल पर। सबसे पहले जानते हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स का पाठ्यक्रम। सीजीपीएससी में छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भारत का सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन से छत्तीसगढ़ के भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का साहित्य, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना, छत्तीसगढ़ के उद्योग और करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के भूगोल से जलवायु, भौतिक स्थिति, जनगणना, पुरातत्व और छत्तीसगढ़ के पर्यटन केंद्र और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। वही छत्तीसगढ़ के इतिहास से छत्तीसगढ़ के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान के प्रश्न पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के साहित्य से साहित्य, संगीत, नृत्य कला, संस्कृति, मुहावरे, कहावतें, छत्तीसगढ़ का गायन, लोक नृत्य, लोक कला, सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों से छत्तीसगढ़ की विशेष जनजातियाँ, छत्तीसगढ़ की विशेष परंपराएं, तीज त्यौहार, आभूषण से प्रश्न पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन और कृषि से प्रश्न पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना, स्थानीय सरकार और पंचायती राज से प्रश्न पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन से प्रश्न पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। इसके लिए आप छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकादमी की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। भारत का सामान्य अध्ययन। भारत का सामान्य अध्ययन में भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके लिए आप विपिन चंद्रा की बुक रेफर कर सकते हैं। भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। इसके लिए महेश वर्णेवाल की बुक आप रेफर कर सकते हैं। भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था। इसके लिए आप एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक रेफर कर सकते हैं। सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसके लिए लुसेंट की बुक आप रेफर कर सकते हैं। भारतीय दर्शन, कला एवं संस्कृति, करंट अफेयर्स और पर्यावरण। इन सभी टॉपिक से सीजीपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं सीजी व्यापम की। तो सीजी व्यापम में छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर्स, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, छत्तीसगढ़ी ग्रामर, कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इन टॉपिक्स पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स की वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी। चलिए जानते हैं अब इस चैनल पर किस तरह वीडियोस अपलोड की जाएंगी। तो सबसे पहले इस चैनल पर बेस स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो अपलोड की जाएंगी, जिसमें हम समझेंगे हमारे माइंड के बारे में, हमारे ब्रेन के बारे में, कि हमारा माइंड और ब्रेन कैसे वर्क करता है, कैसे चीज़ों को याद करता है और कैसे हम बहुत आसानी से किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं। इन सभी की जानकारी इस स्टडी टिप्स और ट्रिक्स में मिलेंगे। इसके बाद हम कुछ स्टडी टिप्स के बारे में वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें न्यूमोनिक मेथड का उपयोग न्यूमेरिक शब्दों को याद करने में किया जाता है। जो संख्या वाले शब्द होते हैं उन्हें याद करने के लिए न्यूमोनिक मेथड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम लिंक मेथड का भी उपयोग कैसे किया जाता है उसको समझेंगे। लिंक मेथड में 20 से 25 चीज़ें हैं, उन्हें क्रम में कैसे याद किया जाए इसको हम लिंक मेथड की सहायता से समझेंगे। उसके अलावा भी कुछ और अन्य मेथडों का भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। साथ ही आपको बेस्ट स्टडी टिप्स भी बताए जाएंगे, जो कि हमारे पढ़ाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे सीजीपीएससी जो कि हमारे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन से छत्तीसगढ़ का भूगोल की वीडियो अपलोड की जाएंगी। छत्तीसगढ़ के भूगोल की वीडियोस में सीमा एवं विस्तार, छत्तीसगढ़ की मैपिंग, भूगर्भिक संरचना, प्राकृतिक प्रदेश एवं उनका विस्तार, पर्वत एवं चोटियाँ, मिट्टी, जलवायु की वीडियोस अपलोड की जाएंगे। इसके पश्चात अपवाह तंत्र, सिंचाई परियोजना, कृषि, खनिज,
उद्योग, जनसंख्या, जल प्रपात, सारी वीडियो अपलोड की जाएंगी। छत्तीसगढ़ के भूगोल के पश्चात छत्तीसगढ़ में वनों और न्यूनतम समर्थन मूल्य की वीडियो अपलोड की जाएंगी। इनमें वनों के प्रकाश एवं कतल राज्य घरेलू उत्पाद को हम देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वन्य जीव एवं अभयारण्य, वनों के प्रशासन विभाग और कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, ये सभी वीडियो अपलोड की जाएंगी। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ के इतिहास में छत्तीसगढ़ प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, आधुनिक कालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, जनजातीय आंदोलन और छत्तीसगढ़ में आंदोलन, ये सारे वीडियो अपलोड की जाएंगे। इसके पश्चात आदिवासी संस्कृति से आदिवासी जनगणना संबंधी कुछ आंकड़े, आदिवासियों की जनजाति घोषणा कैसे की जाती है, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र, जाति एवं उनके कार्य, विशेष पिछड़ी जनजाति की से संबंधित वीडियो अपलोड की जाएंगी। के पश्चात छत्तीसगढ़ में जनजाति से संबंधित त्यौहार एवं नृत्य, युवा गृह एवं विवाह, वाद्य यंत्र, आभूषण, मेला, छत्तीसगढ़ के लोकगीत, लोकनाट, छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपलोड की जाएंगी। छत्तीसगढ़ बोली एवं साहित्य का से छत्तीसगढ़ बोली एवं भाषा, छत्तीसगढ़ के साहित्य एवं उनके रचनाकार, प्राचीन कालीन साहित्यकार, मध्यकालीन साहित्यकार, आधुनिक कालीन साहित्यकार, छत्तीसगढ़ पत्र एवं पत्रिकाएं की वीडियो अपलोड की जाएंगी। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासन में छत्तीसगढ़ की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पंचायती राज और नगरीय निकाय को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें पंचायती राज के प्रशासन, पंचायती राज व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, अनुच्छेद 243 के बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत की स्थायी समितियाँ, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और नगर निकाय समिति से संबंधित वीडियो अपलोड की जाएंगे। इसके पश्चात विद्युत एवं आधारभूत संरचना से NTPC, CSPGCL, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि एवं पंप सिंचाई, जैसे जीवन ज्योति योजना, छत्तीसगढ़ में विद्युत उपभोक्ता के लिए डीपीएल कनेक्शन, हाफ बिजली बिल योजना, राजस्व की प्राप्ति और परिवहन एवं संचार से संबंधित वीडियो अपलोड की जाएंगी। इसके पश्चात लोकोक्ति और जनौला की वीडियो आएंगे। इसके पश्चात सबसे आखिरी में छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वे की वीडियो अपलोड की जाएंगी। जीएस से भारतीय सामान्य अध्ययन से भारतीय भूगोल, भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विशिष्ट हिंदी ग्रामर और अंग्रेजी ग्रामर, छत्तीसगढ़ी ग्रामर, ये सारे वीडियो इसी क्रम में अपलोड किए जाएंगे। इस चैनल पर ये सारे वीडियो आपके लिए अपलोड किए जाएंगे, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और एग्ज़ाम की तैयारी करिए। धन्यवाद।